साल 2023 बन गया भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए काल, और इस साल रथ यात्रा के दौरान हुए अनेकों भयानक हादसे। कहीं रथ यात्रा को देखते हुए लोग छत से गिरकर मर गए, तो कहीं रथ के पहियों के नीचे दबकर अनेकों भक्त मर गए, कहीं पूरा का पूरा रथ ही बिजली के चपेट में आ गया और अनेकों लोग जलकर स्वाहा हो गए। तो क्या इस साल रथ यात्रा में कोई चूक हो गई थी? क्या नाराज है भगवान जगन्नाथ? और क्या ये हादसे उनके क्रोध की वजह से ही हो रहे हैं? क्योंकि साल 2023 भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के इतिहास का सबसे दर्दनाक साल रहा। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जय जगन्नाथ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, बात है बीते दिनों त्रिपुरा की रथ यात्रा की, जब अनजाने में भगवान जगन्नाथ का रथ बिजली के खंभे से टकरा गया और वहां हादसे का जो तांडव हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आपको बता दें कि बिजली के खंभे से टकराते ही पूरे रथ में बिजली फैल गई और पूरे 7 लोगों की वहीं मौके पर मृत्यु हो गई। त्रिपुरा में हुए इस भयानक रथ हादसे की चपेट में आए घायलों की संख्या तो पूछे ही मत, क्योंकि आज भी 20 से अधिक श्रद्धालु अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन इस साल यानी 2023 का ये पहला और एकमात्र रथ हादसा नहीं है, बल्कि साल जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान 2 और भयानक हादसे हुए थे। दोस्तों, बात तब की है जब भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा गुजरात के अहमदाबाद से गुजर रही थी, जिसको देखने के लिए वहां भक्तों की भयानक भीड़ उमड़ पड़ी। लोग अपने अपनी छतों और बालकनियों से रथ यात्रा के दर्शन करने लगे, लेकिन तभी वहां के बिल्डिंग की एक बालकनी भक्तों से इतनी भर गई कि प्रेशर ज्यादा होने के कारण पूरी बालकनी ही धस गई और सभी लोग 2 मंजिल से नीचे गिर गए। आपको बता दें कि अहमदाबाद में हुए इस भयानक रथ हादसे में एक श्रद्धालु की मृत्यु हो गई और तकरीबन 10 से अधिक लोग घायल हो गए। त्रिपुरा और अहमदाबाद के बाद आगरा में भी रथ यात्रा के दौरान एक बड़ा दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जब अनेकों श्रद्धालु रथ की चपेट में आ गए और क्या महिलाएं क्या बच्चे सब रथ के पहियों के नीचे दब गए। आगरा में भी अहमदाबाद जैसा ही दृश्य देखने को मिला, जब रथ यात्रा के दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इसी दौरान अनेकों महिलाएं और बच्चे रथ के पहिए के नीचे दब गए, लेकिन भगवान जगन्नाथ की कृपा से यहां त्रिपुरा और अहमदाबाद जैसे कोई बड़ी भयानक अनहोनी नहीं हुई। रथ के नीचे दबने के बाद सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और एक बड़ी अनहोनी होने से टल गई। लेकिन बीते दिनों त्रिपुरा में रथ यात्रा के दौरान जो कुछ भी हुआ उसने भगवान जगन्नाथ के सभी भक्तों को झकझोर के रख दिया है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ के सभी भक्त ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या इस साल उनसे कोई अनहोनी हुई थी? अगर नहीं तो आखिर क्यों नाराज है भगवान जगन्नाथ, और आखिर क्यों हो रही है अनहोनियां? दोस्तों, आपको बता दें कि हर बड़ी घटना या अनहोनी के लिए भगवान को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है, क्योंकि कभी कभी उन घटनाओं के लिए इंसान खुद जिम्मेदार होता है। इस साल त्रिपुरा, अहमदाबाद और आगरा में घटी ये सभी घटनाएं इंसानी गलतियों का ही परिणाम है। यदि भक्त नियंत्रण में रहकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते, अधिक भीड़ ना लगाते और भीड़ भाड़ में सतर्क रहते तो ऐसी घटनाएं कभी नहीं होती। अगर श्रद्धालु पहले से सतर्क रहते तो शायद आगरा और अहमदाबाद जैसी घटना नहीं घटती। लेकिन त्रिपुरा में हुआ हादसा जांच का विषय है, क्योंकि यहां बिजली विभाग की गलती हो सकती है। तो आप इन सभी घटनाओं को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।